everyone, this is Mihaika Khan. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are very happy, healthy and doing very, very good in your life. So today I'm going to show you Harry Potter fans in real life. So without any further discussion, let's begin to the video. But before beginning to the video, like my video, share my video and subscribe my YouTube channel. So let's go. अरे मम्मा, आया है मेरे साथ हैरी पॉटर देखे, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बेटा, मैं नहीं, मुझे हैरी पॉटर नहीं देखनी, मुझे बहुत काम। सारा दिन हैरी पॉटर देखती रहती हो। तुम पता है ना, वो भी पढ़ाई में अच्छा था, और तुम्हें देख लो, पेपर सर पे और हैरी पॉटर बस देखनी है। उठो, चलो जाके अपना कमरा साफ करो और पेपर पढ़ाई करने बैठो। अच्छा मामा जी, मैं जाती हूँ। कमरे की हालत तो देखो, कितना गंद लग रहा है। इधर भी इतने सारे बुक्स, साफ तो करनी पड़ेगी। कमरा तो साफ हो गया। जैसे कितना अच्छा होता ना, मेरे पास भी एक वॉन्ड होती, मैं भी एक विजार्ड होती, ऐसे एक मैजिक स्पेल बोलती, मेरा पूरा कमरा क्लीन हो जाता और मम्मा की याददाश्त ही घुमा देती, ताकि उन्हें याद ही ना रहता उन्होंने मुझे पढ़ाई का कहना है या उन्होंने मुझे कमरा साफ करने का कहना है। कितना अच्छा होता मैं भी हैरी पॉटर होती। जी मामा। अरे वाह, शाबाश, मेरी बच्ची पढ़ रही है। दिखाओ तुम, एक मिनट, ये तुम पढ़ क्या रही हो? हैरी पॉटर। हाँ, तुम ना ये बुक मुझे दो, इधर दो। हर वक्त बुक्स पढ़ती रहती हो हैरी पॉटर की, कभी अपने स्कूल के बुक्स भी पढ़ लिया करो। चल जाओ, अपना स्कूल का काम करो। अच्छा खासा पढ़ रही थी, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा था, मम्मा ने ले भी ली। हाँ अच्छा मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल में यूनिफॉर्म के बगैर कौन जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में ना आजकल यूनिफॉर्म की छुट्टी है, तो इस वजह से कलर ड्रेसेस में चल जाते हैं हम। तो चले आए, चलते हैं स्कूल। गुड मॉर्निंग टीचर, हाउ आर यू टीचर? थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हैव अ सिट। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल्स एंड अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम अपना काम करेंगे। पेंसिल पेंस अपने स्टेशनरी साइड पर रख लीजिए और साथ अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए जल्दी। ये क्या कर रही हैं हाइका बेटा? आप पेंसिल या पेन निकालने को बोले, आप क्यों लीफ तोड़ के ले आई हैं? ओह मैम, ये लीफ नहीं है, ये पेन है। वो मैं वैसे भी इसे लिख ही रही थी, वो हैरी पॉटर में पेन होता है ना, उसके पास भी ऐसा, तो मुझे भी ऐसा ही बन चाहिए था, तो मम्मा से बोला उन्होंने दिलाया, नहीं तो मैंने बाहर से, वो स्कूल के बाहर जो गार्डन नहीं है वहाँ से ये तोड़ लिया। लीव नहीं मिला तो मैंने यही तोड़ लिया। हाइका बेटा, आपका भी कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी ना हैरी पॉटर के पास लीव वाला पेन होता है, ये फ्लावर वाला नहीं जो आप किसी के गार्डन से तोड़ के लेकर आई हैं। आपने ना अपने पेपर्स में भी हैरी पॉटर की सारी सीरीज लिख के आनी है, लिख के आएगा हैरी पॉटर के कितने करेक्टर्स हैं, उसके कितने नाम हैं, उसके मामा बाबा और उसके आगे फ्रेंड्स के क्या क्या नाम हैं, वो किस किस टीचर से पढ़ा, ये लिख के आएगा। ये ना लिख के आएगा कि पाकिस्तान हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, ठीक है ना? आपको पार्क स्टडी का लेक्चर, आपको बोला अपनी बुक्स निकालें लिखें, लेकिन नहीं, आपने पार्क स्टडी नहीं, आपने हॉगवर्ट्स की हिस्ट्री जाननी है। करती हूँ मैं आपकी मम्मा से बात। सॉरी मिस, मगर मैम ये लिखते हुए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं पेन निकालती। ओके सो फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, आपने जो भी देखा, डांट ही पी जा रही थी। वैसे हैरी पॉटर फैन हूँ ना, क्या कर सकती हूँ, लेकिन आप, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, मेरे पास है वॉन्ड, वॉन्ड जिससे मैं बहुत सारे स्पेल्स बोल के आप पे मैजिक कर दूँगी। तो चलिए, 1 2 3 अलोमोरा। हाइका, ये क्या तुम मेरा पेन उठा के ले आई हो? ये क्या तुम मस्कारा उठा के ले आई हो मेरा? पता है ना ये मस्कारा है जिसको तुम अपनी वॉन्ड बना रही हो। इधर को दो, इधर। ठीक है, आप मुझे भी बताइए मस्कारा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को तो नहीं पता ना कि ये मस्कारा है या मेरी वॉन्ड है, यानी छड़ी है। तो मैं जिस कल भी कर दिए थे, आपने आके सारी वीडियो ख़राब कर दी मेरी। ठीक है, ये ले। वैसे भी आप मेरी कज़न है, अगर मेरी फ्रेंड होती ना तो मैं आपसे इकट्ठी कर देती।
ये ले अपना मेरी वॉन्ड, मतलब आपका मस्कारा। तो कैसी लगी आपको मेरी हैरी पॉटर ग्लासेस? अच्छी लग रही है ना बेटा? तुम मुझे ये पीछे 10 मिनट से यही दिखा रही हो कि हैरी पॉटर की ग्लासेस है मेरे पास। ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, हैरी पॉटर की ग्लासेस तो दरमियान से टूटी होती हैं, ये तुमने साइड से क्यों तोड़ ली? वो मम्मा मेरी दरमियान से टूटी नहीं थी, तो मैंने साइड से तोड़ के खुद ही जोड़ ली। ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो मेरी पिटाई पक्की। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि मेरी पिटाई देखेंगे? जाए, मिलती हूँ आपको मैं अपनी पिटाई के बाद। क्या ग्लासेस तोड़ ली? तुम्हें अभी 2 दिन पहले ये न्यू ग्लासेस लेके दी थी, पता है ना कितनी महंगी है, और तुमने साइड से तोड़ के जोड़ ली। सिर्फ हैरी पॉटर की टूटी में तो मैं भी तोड़ूंगी। हद हो गई है, ठहरो ज़रा, तुम्हें अभी बताती हूँ। अच्छा ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ बाहर अपनी फ्रेंड से मिलने, मैं आ जाऊँगी वापस। कहाँ रह गई वो? हाय, कैसी हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसी हो? और तुमने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? मतलब इतनी गर्मी में ब्लू स्कार्फ और साथ में तुम्हारी ये गोल गोल सी वेफर ग्लासेस, क्या बात है, क्या करना चाह रही हो? ओह हेलो, ये मैं कार्टूनी हूँ, ठीक है ना? मुझे पता तुम अपने दिमाग में मुझे कार्टूनी कह रही होगी। मैं हैरी पॉटर बनी हुई हूँ। देखो मेरी ग्लासेस, उसकी यहाँ से टूटी होती, मेरी यहाँ से टूटी है, और मेरा ब्लू मफलर, मुझे पता है वो ग्रिफिंडर में है, तो मैं भी ग्रिफिंडर में ही हूँ। वैसे भी उसका अब मैं ग्रिफिंडर के कलर का इस लॉकडाउन में कहाँ से लेकर आऊँ मफलर, तो मैंने ब्लू ही बना दिया। दिल होना चाहिए, नियत होनी चाहिए कि आपके ग्रिफिंडर में हो, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, मुझे लगा तुम कार्टून ही लगी हो। सही कह रही थी मैं, तो कार्टून ही सोच रही थी तुम्हें। और वैसे भी तुम सही कह रही हो, जो तुमने मफलर लिया हुआ है ना, ये ग्रिफिंडर का नहीं है, ये तो पता नहीं किसी भी हाउस का नहीं है, हॉगवर्ट्स के है। चलो ठीक है, वैसे कार्टून ही लग रही है। ठीक है, जा रही हूँ मैं, मुझे बहुत काम है। हाँ, ठीक है, जाओ, मैं वैसे भी कार्टून ही लग रही हूँ, मुझे पता है मैं हैरी पॉटर ही लग रही हूँ। जाओ, वैसे भी मुझे बहुत काम है, मुझे जाके अभी हैरी पॉटर की नॉवल सीरीज़ कंप्लीट करनी है, हैरी पॉटर का पार्ट डडली हॉलोज़ का पार्ट 2 देखना है, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरफ फारिग थोड़ी ना होती हूँ। जा रही हूँ मैं ग्रिफिंडर अब। हाँ, ठीक है, जाओ, वैसे भी गोल ग्लासेस में तो कार्टून ही लगूंगी, और क्या करूँगी। अरे वैसे एक मिनट रुकना, ये तुमने ग्रिफिंडर क्या कहा है? तुम्हारा घर ग्रिफिंडर? ग्रिफिंडर तो हाउस है हैगवर्ड्स का, तुम्हारे घर कहाँ से आ गया? ओह अच्छा, तुम ग्रिफिंडर को ही अपना घर मानती ना, तुमने अपने घर का नाम भी चेंज कर लिया ग्रिफिंडर? आंटी से पूछना पड़ेगा। अच्छा खैर, चलो मैं चलती हूँ, बाय। तो देखा आप सबने कि हैरी पॉटर के फैंस रियल लाइफ में किस किस मुश्किल से उन्हें गुजरना पड़ता है बेचारे। खैर, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार सी इंटरटेनमेंट वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो तब तक के लिए आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए रखें अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।